पहले किया नागपुर फतेह, फिर जीती दिल्ली की जंग, अब इंदौर में है महासंग्राम। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 की लीड ले चुकी टीम इंडिया इंदौर में भी कंगारुओं का शिकार करने के इरादे से उतरेगी। देश के सबसे साफ शहर में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम किसी कीमत वापसी का मौका नहीं देना चाहेगी। तीसरे टेस्ट के लिए होल्कर स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, पिच पर खास काम हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग 9 पिच तैयार की जा रही है, लेकिन इनमें से एक पिच लाल मिट्टी की है। खास बात यह है कि इस पिच को तैयार करने के लिए मुंबई से लाल मिट्टी मंगवाई गई है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में अब तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने विरोधियों को पटकनी दी है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। लेकिन अब 1 मार्च को जब मुकाबला होने जा रहा है तो उसमें भी टीम इंडिया के हौसले बुलंद रहेंगे, क्योंकि इंदौर का यही होल्कर स्टेडियम साफ तौर पर इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी रास आता है। वैसे तो यहाँ का जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है, लेकिन जिस फॉर्म में टीम इंडिया के स्पिनर्स हैं, चाहे वो आर अश्विन हो या फिर रविंद्र जडेजा, कहा यह जा रहा है कि होल्कर स्टेडियम में भी इन्हीं फिरकी गेंदबाजों का कमाल देखने को मिलेगा। लेकिन चुनौतियां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मिलेगी, चूँकि बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत जो है वो मुफीद ये पिच माना जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियों के साथ में इस मैदान पर उतरेंगे। लेकिन जो भी हो, जिस तरीके का रिकॉर्ड टीम इंडिया का और होल्कर स्टेडियम का रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि इस मैच में भी टीम इंडिया का पलड़ा जरूर भारी रहेगा। लाल मिट्टी से तैयार पिच की अपनी खासियत है, काली मिट्टी से बनी पिच के मुकाबले ये जल्दी टूटती नहीं, गेंद और बल्ले के बीच बराबरी का मुकाबला रहता है, लाल मिट्टी वाले विकेट पर बाउंस बेहतर मिलता है, तेज गेंदबाजों के साथ ही स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, बैट्समैनों के लिए भी मौका मिलता है, गेंदबाजों को, फास्ट बॉलर्स को भी मौका मिलता है और स्पिनर्स को भी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं विकेट का चरित्र बदलता है। अच्छे विकेट में यही होता है, अच्छा विकेट वही होता है जिसमें हर तरह के गेंदबाजों के लिए कुछ हो, बल्लेबाजों के लिए कुछ हो। वन साइड नहीं होना चाहिए कि एकदम ही ख़राब है तो सिर्फ उससे फास्ट बॉलर्स ही ले रहे हैं या सिर्फ स्पिनर्स ले रहे हैं या सिर्फ बल्लेबाजी रन बना रहे हैं, वो अच्छा विकेट नहीं होता है। अच्छा विकेट वो है जिसपे सबको बराबरी का चांस मिले, अवसर मिले, हर तरह के गेंदबाज को, बल्लेबाज को, तो इंदौर का विकेट उस श्रेणी में आता है। इंदौर में अब तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है। यहां बांग्लादेश के साथ ही न्यूजीलैंड को भी भारत हरा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि रोहित एंड कंपनी इस रिकॉर्ड को कायम रखेगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।